हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन है। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही खिला हुआ सा लग रहा है। ये उभरा उभरा सा भी लगता है। इस तरह से देखेंगे तो एक तरह से 3D डिज़ाइन की तरह लग रहा है ये। और जिस ये वुल में है, ये कॉटन वुल है और इसमें तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए, ये वाली 3-ply ये ऊन है इसमें, और ये 11 नंबर की मैंने सिलाई ली है, तो इसमें ये बहुत खिल रहा है ना फ्रेंड्स, कितना प्यारा लग रहा है। और डालने में भी बहुत इजी है। सिर्फ 8 रोज का ये डिज़ाइन है, 8 रोज में ये कंप्लीट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिज़ाइन को। हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा निट वाइज आपने स्लिप कर दिया है, उसके बाद देखिए पहला निट, निट फन, उसके बाद धागा आगे की तरफ करते हुए ये दो फंदे आपने स्लिप करने हैं। दो स्लिप किए, धागा पीछे की तरफ को, दो फंदे फिर सीधे बुन देने। ये जो 4 फंदे हमने लिए हैं, ये पूरी रो में यही 4 फंदे आएंगे, यही रिपीट करने हैं आपने। देखिए, दो स्लिप कर दिए हैं, धागा फ्रंट में रखना है और दो निट, ठीक है। देखिए, चुको किया, ये एक फंदा बचा है, इसको हम सीधा बुन लेंगे। लास्ट जो एस स्टिच है उसको हमने उल्टा बुन दिया है। पूरी रो कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो पे स्लिप कर दिया है नीट वाइज, धागा अंदर की तरफ लेते हुए फंदा उल्टा बुन दिया है, उसके बाद धागा पीछे की तरफ करते हुए दो आपने स्लिप कर देने हैं फंदे, फिर धागा आगे की तरफ करते हुए दो पर। तो ये दो 4 फंदे आपने लिए हैं, दो स्लिप किए हैं फ्रंट में, सॉरी बैक में धागा रख के, और दो पर्ल हमने बुन लिए हैं। तो उसके बाद यही 4 स्टिचेस आपने इस पूरे रो में रिपीट करने हैं। ये उल्टा और ये लास्ट स्टिच भी उल्टा आपने ले लेना है। ये रो कंप्लीट होगी हमारी। अब देखिए क्या करना है। पहला स्टिच, थर्ड रो पे आ गए हम राइट साइड पे। पहला स्टिच हमने नेट वाइज स्लिप कर दिया है, उसके बाद ये देखिए दो फंदे हैं, दिख रहे इसके आगे जिस तरह के हैं। तो पहले सेकेंड वाला स्टिच ये आपने बुन लेना है नेट वाइज, ये आपने बुन दिया। उसके बाद फर्स्ट स्टिच लेना आपने, ये भी बुन देना है नेट वाइज, फिर दोनों स्लिप कर देना। अब ये वाले जो दो स्टिचेज हैं वो क्या करना है कि पीछे से पहले सेकंड स्टिच आपने बुनना है, ये आपने बुना, उसके बाद आगे से ये फर्स्ट वाला स्टिच आपने बुनना है, फिर दोनों स्लिप कर देना है इस तरह से। ये 4 जो फंदे हमने रिपीट किए हैं सेम ही। इसी तरह से आपने ये पूरी सिलाई ले लेनी है।
ये हमने पूरी रो कंप्लीट कर दी अपनी। देखिए अब फिर से रॉन्ग साइड पे आ गए हम। सारे के सारे फंदे इसमें आपने पर्ल ले लेने हैं। एक फंदा आपने स्लिप करता है नेट वाइज, उसके बाद सारे फंदे इस तरह उल्टे बुन देने हैं। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन दिस रो। ये हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हुई। अब हम आगे फिफ्थ रो पे। तो जो हमारी फर्स्ट रो थी ये उससे अलग होगी। ये पहला हमने स्लिप कर दिया है। उसके बाद देखिए क्या करना है आपको। धागा आगे की तरफ लेते हुए पहला फंदा स्लिप कर देना है, फिर धागा पीछे की तरफ करते हुए दो फंदे सीधे बुन देने, फिर धागा आगे की तरफ करते हुए दो फंदे स्लिप करने हैं। तो ये जो फोर स्टिचेस हमने लिए हैं अभी, इन दो फंदों को छोड़ के चार, यही आपने इस पूरी रो में रिपीट करने हैं। सॉरी, ये स्लिप करने थे, हमने बुन दिए हैं। लास्ट स्टिच। रॉन्ग साइड पे हैं, ये पर्ल लेना है क्योंकि हमने लास्ट स्टिच निट किया था। तो ये पर्ल ले लिया है। धागा पीछे की ओर करते हुए ये स्लिप कर देना है। धागा फिर आगे की तरफ लेने हैं और दो फंदे इस तरह बुन देने हैं, फिर धागा पीछे की ओर, टू स्लिप, टू पर्ल। ऐसे ही पूरी रिपीट करते रहना है आपने। सिक्स रो है हमारी ये। सेवेंथ रो, इसमें भी वैसे ही पलटने हैं, इधर उधर को पलटने हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा, देखिए क्या होगा। ये फंदा लिया, तो यहाँ पे भी ये फंदा है जो हमने स्लिप किया हुआ है। तो ये वाला लास्ट वाला फंदा है, तो इसको हमने बैक साइड से, देख रहे हैं, ये बैक साइड से पहले बुनना है। फिर फ्रंट वाला यानी कि फर्स्ट वाला स्टिच बुनना है। उसके बाद ये तो थर्ड रो की तरह ही करना है नेक्स्ट। तो हमने जैसे हमने थर्ड रो पे किया था, सेम पूरी की पूरी वैसी ही सिलाई आ जाएगी आपकी। पूरी रो वैसे ही कंप्लीट करनी है आपने।
इसे देख लीजिए, चार फंदे दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। तो पहले सेकंड वाला फंदा बुनना है, वो भी फ्रंट से लेके नीट वाइज, देन फर्स्ट वाला, फिर बैक साइड से बुनते हुए सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला फ्रंट साइड से, ठीक है। लास्ट स्टिच, ये दो स्टिचेस इस तरह से अपने लेने हैं। सेवन्थ रो कंप्लीट हो गई हमारी, अब हमारी एट्थ रो है। एट्थ रो सिंपल फोर्थ रो की तरह ही, यू हैव टू पर्ल ऑल द स्टिचेस इन दिस रो, उल्टे उल्टे फंदे बुन लेने सारे के सारे। देखिए हमारी एट्थ रो भी ले लिए और हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट आपने ये पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए यही जो एट रोज है यही रिपीट करनी है। देखिए कितना प्यारा सा ये हमारा पैटर्न लग रहा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।